हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021। 8 डिफरेंट कॉलेजेस की वैकेंसीज को यहां पर कवर करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में कि कॉलेज में क्या पेमेंट होने वाली है, लास्ट डेट क्या है, नोटिफिकेशन कहाँ पर आप लोकेट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, और किस तरीके से एप्लीकेशन डाली जानी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा। कुछ कॉलेजेस में पे स्केल ऑफर हो रही है, तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्केल भी ऑफर की जा रही है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज ऐसी है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंतर्गत है, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल कवर करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। जो सबसे पहली वैकेंसी है यहाँ पर काफी सब्जेक्ट्स हैं, हम देखें पहले ये सब्जेक्ट की लिस्ट है, बहुत लंबी, और नंबर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो वैकेंसीज है वो भी काफी ज्यादा है। ये वैकेंसी है आपके विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में है, ये धनबाद झारखंड स्टेट में आता है। यहाँ पर इनवाइटेड फ्रॉम नेट जेट स्लेट क्वालिफाइड और पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। पेमेंट की स्कीम होगी 600 रुपीज पर लेक्चर दिए जाएंगे, इस तरीके से कि 36,000 रुपीज पर मंथ मैक्सिमम पेमेंट की जा सकेगी। तो लेक्चर के हिसाब से पेमेंट होगी, मैक्सिमम 36,000 पर मंथ होंगे। सब्जेक्ट काफी ज्यादा है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट कॉलम में आप यहां पर देख सकते हैं। होम साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, फॉरेन लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट स्टडीज, कॉमर्स। टोटल 333 पोस्ट है यहाँ पर। पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए, एसटी एससी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, नेट सेट या फिर पीएचडी है तो आप एप्लीकेशन डालें। यहाँ पर एप्लीकेशन फी है, ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पर ऑफर कर रहे हैं तो 1 ईयर के लिए हो सकता है, तो यहाँ पर लेकिन एप्लीकेशन फी मांगी गई है 1,000 रुपीज जनरल एंड ओबीसी के लिए और 700 रुपीज एससी एसटी पीएच एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। इन फेवर ऑफ ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन डालिए, 21 डेज के अंदर दिए गए पोस्टल एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए, तो इसके लिए वक्त काफी कम है। ये पब्लिश हुई है 25 जनवरी 2021 को, तो इससे विद इन 21 डेज ऑफिस एड्रेस पर एप्लीकेशन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं ऑफिस एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए आपकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगी, ये एप्लीकेशन फॉर्म इसी पीडीएफ के नीचे दी गई है, अब देख लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ मिलेगी आपको। ये ऑफिशियल वेबसाइट है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद की। यहाँ पर जब आप नोटिस एंड सर्कुलर सेक्शन में आते हैं तो इसको स्क्रॉल डाउन करते जाए, स्क्रॉल डाउन करने से आपको 30 जनवरी 2021 व्यू ऑल के जस्ट सेकेंड लास्ट जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन लेक्चर बेसिस, ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, साथ में कैसे डिमांड ड्राफ्ट बनानी है, बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे होगा ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी एप्लीकेशन डालें क्योंकि एप्लीकेशन फी बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। आगे बढ़ते दूसरी कॉलेज की वैकेंसी कवर करते हैं। सेकेंड वैकेंसी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर झारखंड से ही है। यहाँ पर नो एप्लीकेशन फी, देर इज नो एप्लीकेशन फी। ईमेल आईडी पर सिंपल प्रोसेस है, ईमेल आईडी पर आप एप्लीकेशन डाल दें, 12 फरवरी 2021 तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सब्जेक्ट इस तरीके से, डिपार्टमेंट इस तरीके से, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले में कॉमर्स वाले कैंडिडेट डाल सकते हैं, मैनेजमेंट में एमबीए वाले जिनके पास नेट सेट या फिर पीएचडी है,
विदाउट नेट सेट पीएचडी जैसे मैनेजमेंट में या फिर इंजीनियरिंग वगैरह अगर हो तो उसमें आईटी में वगैरह में आप विदाउट नेट सेट पीएचडी भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लॉ में स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ आईटी, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, स्कूल ऑफ आर्ट्स में, आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट है अगर आप उसमें मास्टर्स है नेट सेट या पीएचडी है तो एप्लीकेशन डाल दें। स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज, स्कूल ऑफ एलाइड साइंसेज में 12 फरवरी 2021 तक आपको यहां पर एप्लीकेशन डाल देनी है। इसकी जो ईमेल आईडी है वो मैं आपको बता दूं, career@nsu नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी तो फर्स्ट लेटर nsu.univ.ac.in पर आपको एप्लीकेशन 12 फरवरी 2021 तक डाल देनी है। ये जमशेदपुर झारखंड स्टेट में है। सेकेंड वैकेंसी आपकी जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश से 4 फरवरी 2021, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डालने के लिए मैं मेथड बता दूं। पहले सब्जेक्ट्स आप देख लें, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर है, एसोसिएट प्रोफेसर बीच में और फर्स्ट में प्रोफेसर की, प्रोफेसर के लिए 14 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर 22 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 29 पोस्ट है। बाइफर्केशन दी हुई है, एडल्ट एजुकेशन है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, आर्कियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ऐसे ज्यादा सीट दिख रहे हैं तो एप्लीकेशन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कोई भी सीट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जियोलॉजी में भी सीट नजर नहीं आ रहे मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरी साइंस मैनेजमेंट में 2 दिखाई दे रहे हैं, मैथमेटिक्स में 2-3 हैं, फिजिक्स में 4 वैकेंसीज दिख रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस में कोई भी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, जूलॉजी में 2 वैकेंसीज दिख रही हैं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो टोटल 29 सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर भी डिमांड ड्राफ्ट है, 1000 रुपीज एंड 500 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट है। और इसके बाद इनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी प्रेस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन, तो एनवेलप में आपको एप्लीकेशन डालनी है, एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनानी है, इसकी सारी डिटेल यहाँ पर आप ले लें कि क्या डिटेल है एटसेट्रा। 4 फरवरी 2021 को ये पब्लिश हुई है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देख लेते हैं हम। इसकी लास्ट डेट 8 मार्च 2021 तक ये पहुंच जानी चाहिए। ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर शुड रीच टू रजिस्ट्रार, ये एड्रेस दी हुई है, एक बार हम ऑफिशियल वेबसाइट भी इसकी चेक कर लेते हैं। ये जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आपको मिल जानी चाहिए ये सारी डिटेल। तो ये मुझे रिक्रूटमेंट सेक्शन में या कहीं पर मैंने लोकेट की है इसकी पीडीएफ को। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट न्यूज में जब आप आते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट आपको नजर आएगी, एडवर्टीजमेंट फॉर नॉन टीचिंग, लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में आपको आना है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में। यहाँ पर अच्छी तरीके से खुद आप पढ़े, यहाँ पर भी नेट सेट या पीएचडी वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे, लेकिन एप्लीकेशन फी है इसलिए बहुत ही सोच, और नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत कम है यहाँ पर, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर एप्लीकेशन डालें। आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूनिवर्सिटी या थर्ड कॉलेज की वैकेंसी कवर करते हैं, सॉरी फोर्थ कॉलेज की नोटिफिकेशन कवर करते, 3 ऑलरेडी कवर हो गए। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी की में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस ऑफिस ऑर्डर सर्कुलर में सबसे टॉप में दी हुई है ब्लू कलर में, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर टीचिंग पोस्ट इन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, डेटेड 4 फरवरी 2021। तो ये आपको पीडीएफ डाउनलोड कर, यहाँ पे नीचे में पीडीएफ भी दी हुई है, चेक हियर टू डाउनलोड जॉब फॉर्म भी दिया हुआ है यहाँ पर, बाकी चीजें भी दी हुई है, तो एक बार हम पीडीएफ को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन डालनी है वो 26 फरवरी 2021 तक आपको लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टीजमेंट अवेलेबल ऑन, तो अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पर पे स्केल ऑफर हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेवल 10 पर, मीन्स मिनिमम 70-75,000 रुपीज सैलरी बनेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, बाकी सभी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर पे स्केल ऑफर हो रही है। तो सबसे पहले जो अलग अलग दी हुई है यहाँ पर, जैसे कि सबसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसे दिए हुए अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसीज, तो वो आपको पूरी डिटेल पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, एक जगह पर नहीं दी हुई है।
तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस में फॉरेन लैंग्वेजेस में है अलग अलग, जैसे कोरियन है, जापानीज है, तो वो आप चेक कर ले, जर्मन है, तो एक तो फॉरेन लैंग्वेज में है। दूसरी जो वैकेंसीज हैं वो आपके फॉरेन लैंग्वेज के बाद स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा आपको, सेकेंड में यहाँ पर ऐसा मेंशन है, टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिस स्टडीज में है। इसी तरीके से फिर एनवायरमेंटल स्टडीज में है नीचे, कितने पोस्ट है एटसेट्रा सभी चीजें। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में भी है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर आप सब देख लें डिटेल। मेनली मुझे यहाँ पर ये सारे चीजें नजर आई, इन्वायरमेंटल स्टडीज में बेसिकली नजर आए, इन्वायरमेंटल साइंस में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इंजीनियरिंग या स्टडीज एमएससी एमटेक किए हुए कैंडिडेट्स के लिए है, फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए है। और यहाँ पर भी लिखा है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री जियोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन इन्वायरमेंटल साइंस, ऐसे कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिनकी किसी और सब्जेक्ट में पीएचडी है बट इन्वायरमेंटल साइंस में स्पेशलाइजेशन रही हो, तो वो भी एप्लीकेशन यहाँ डाल सकेंगे। तो इस तरीके से आपको डिटेल देखनी है, और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन बेसिकली मुझे मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल साइंस फॉरेन लैंग्वेज एक्सेट्रा नजर आए। तो यहाँ पर पे स्केल ऑफर हो रही है, बाकी की डिटेल आप इसमें ले सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बताई, सबसे टॉप में लिखी हुई है लास्ट डेट 26 फरवरी 2021 है। नेक्स्ट कवर करते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर जॉब्स एंड करियर सेक्शन में आपको आना है। ये जो फर्स्ट पीडीएफ एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कुरुक्षेत्र कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जैसी है। रिक्वायर द फॉलोइंग टीचिंग स्टाफ फॉर बीएड क्लास, द क्वालिफिकेशन एंड पे टू ईच पोस्ट वुड बी एज पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथ सोशल साइंस संस्कृत हिंदी पंजाबी एजुकेशन, चार है फोर एजुकेशन में, इंग्लिश बायोलॉजिकल साइंस फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन म्यूजिक फाइन आर्ट लाइब्रेरियन क्लर्क प्यून ड्राइवर वॉचमैन कंप्यूटर ऑपरेटर। एप्लीकेशन शुड रीच द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज विद इन 10 डेज एट द कॉलेज एड्रेस विद अ कॉपी। यहाँ पे फ्री एप्लीकेशन डालनी है, कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ 10 डेज के अंदर में हार्ड कॉपी आपको भेज देनी है। इसकी जो 2 फरवरी 2021 को ये पब्लिश हुई है, तो 10 फरवरी या 11 फरवरी, सॉरी 10 डेज के अंदर, तो 12 फरवरी या 13 फरवरी तक ऑफिस एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करियर सेक्शन में फर्स्ट पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, पढ़ लेनी। नेट सेट पीएचडी वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे, नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं जिनको इंटरेस्ट है वो नॉन टीचिंग में भी एप्लीकेशन डाल दें। नेक्स्ट वैकेंसी हम कवर करते हैं वनस्थली विद्यापीठ से। वनस्थली विद्यापीठ में यहाँ पर जब आप फैकल्टी पोजिशंस में आते हैं तो स्कूल टीचर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च एसोसिएट, यहाँ पर क्लिक कर दे आप डिटेल्स में। तो वनस्थली विद्यापीठ की अगर लोकेशन हम चेक करते हैं तो इसकी लोकेशन में राजस्थान जयपुर नजर आ रही है, तो इसको क्लिक करते हैं हम एडवर्टीजमेंट। वनस्थली विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च एसोसिएट, तो स्क्रीन थोड़ी बड़ी करते हैं। ये जयपुर राजस्थान में है, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी सब्जेक्ट्स हैं, अर्थ साइंस में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में एजुकेशन में डिजाइन विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में काफी वैकेंसीज हैं, काफी अलग अलग सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट्स हैं। लॉ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में भी है यहाँ पर वैकेंसीज, होम साइंस में है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, नर्सिंग में, तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट यहाँ पर चेक कर ले, जैसे कि एजुकेशन में क्या क्या है, संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथ्स कंप्यूटर साइंस पैडागोजी, तो यहाँ पर एमएड के बाद नेट सेट या पीएचडी जो करते हैं वो एप्लीकेशन डाले। ह्यूमैनिटीज में नॉर्मल जो मास्टर्स की है उसके बाद अगर आपके सब्जेक्ट में नेट सेट या पीएचडी है पॉसिबल तो वैसे कैंडिडेट एप्लीकेशन डाले। अर्थ साइंस और बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट, ओनली टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट अगर जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है या बायोटेक्नोलॉजी है जिनके पास सिर्फ मास्टर्स भी है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नेट सेट पीएचडी की रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर मेंशन नहीं है तो
एप्लीकेशन डाली जा सकती है विदाउट नेट सेट पीएचडी, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए। यहाँ पर भी हार्ड कॉपी आपकी पहुंचनी चाहिए 3 वीक्स, विद इन 3 वीक्स। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर कब अपडेट हुई है ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, अभी मैंने नोटिस किया। तो आप एट द अर्लीस्ट भेज दें अपनी एप्लीकेशन, किस तरीके से एप्लीकेशन भेजनी है, किस एड्रेस पर, ये यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी हुई है। नेक्स्ट हम कवर करते हैं, नेक्स्ट काफी सारी वैकेंसी नजर आई शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र के लिए है। ये शिवाजी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र कोल्हापुर में, यहाँ पर 1 फरवरी 2021, 4 फरवरी 2021, ये भी आप चेक कर सकते हैं। थोड़ी जनवरी लास्ट की ये चेक कर सकते हैं आप आर्किटेक्चर और फार्मेसी में, बट बेसिकली ज्यादा सब्जेक्ट्स यहाँ पे थे। यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं सेकेंड एडवर्टीजमेंट को, सेकेंड एडवर्टीजमेंट क्लिक करते तो पद्मभूषण, डॉक्टर क्रांतिवीर, नागनाथन नाइकवाड़ी, सांगली महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट सांगली महाराष्ट्र कोल्हापुर। तो काफी सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे प्रिंसिपल है, लाइब्रेरियन है, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, मराठी हिंदी इंग्लिश सभी में लगभग दो 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 पोस्ट है, साइकोलॉजी फिलोसफी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर 5 ईयर्स के लिए अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए 5 ईयर्स के लिए अपॉइंटमेंट होगी, बाकी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर लें। यहाँ पे भी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, एप्लीकेशन फी नजर नहीं आ रही है मुझे, तो मोस्टली एप्लीकेशन फी नहीं होगी। Apply giving full particulars within 15 days from the date of publication. तो अभी जस्ट हमने डेट ऑफ पब्लिकेशन देखी, प्लस 15 डेज आप कर लें, तो इतने डेट तक में दिए गए ऑफिस एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। एप्लीकेशन फी अगर नहीं है, आप एप्लीकेशन डालना चाहें तो बिल्कुल एप्लीकेशन भेज सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हम कवर करेंगे घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट एंड इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। तो इसमें भी आप इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट डेटेड, ये 2021 को ही हुई है पब्लिश, 3 फरवरी को। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं हम, यहाँ पर बेसिकली इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश सोशियोलॉजी, नॉन फॉर्मल में भी कुछ है MEE FPT CSE, उसमें तो वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी है और टेक्निकल टीचिंग असिस्टेंट भी है, सीनियर टीचिंग असिस्टेंट भी है, फोरमैन भी है। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो एप्लीकेशन जरूर डाल दें। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि पे स्केल ऑफर हो रही है, अगर आपको सफिशियंट नंबर ऑफ पोस्ट नजर आते हैं तो एप्लीकेशन डालें, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन फी है। तो एप्लीकेशन फी होने के कारण अगर सफिशियंट नंबर ऑफ इंटरेस्टेड हैं और सफिशियंट नंबर ऑफ सीट्स आपको नजर आते हैं तो आप एप्लीकेशन डालें। 10 मार्च 2021 तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करनी है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 पर आपको एप्लीकेशन फी नजर आएगी, 1000 रुपीज है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और SC ST PWD candidates are exempted from paying the application fee. तो ये अच्छी बात है, SC ST PW के लिए there is no application fee and general OBC and EWS category has to pay 1000 rupees application fee. तो क्योंकि पोस्ट काफी कम है तो accordingly आप सोच समझ कर यहाँ पर application डालें। सभी website की link आपको मेरे video के description box में मिलेगी। एक नेताजी सुभाष university की PDF मुझे मिली एडवर्टीजमेंट PDF न्यूज़पेपर से, तो वो आपको वेबसाइट प्रोवाइड नहीं होगी, बाकी सबकी लिंक्स ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। क्लिक कर लें और सारी डिटेल्स को आप चेक करें अच्छी तरीके से बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन एंड बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।